नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। एनेस्थीसिया के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान दिया जाता है, जिससे मरीज के दर्द और भय से उसे मुक्ति मिलती है। एनेस्थीसिया और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पर आधारित इस वॉकेथॉन में आइए हम और आप भी शामिल होते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको वॉकेथॉन में। एनेस्थीसिया के बारे में जन सामान्य के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वॉकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन विगत रविवार 2 अक्टूबर 2022 को देहरादून में आयोजित किया गया। एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान दिया जाता है, जिससे मरीज सर्जरी की पीड़ा और भय से मुक्त रह सके। यदि रोगी को सर्जरी के दौरान दर्द महसूस होने की जानकारी हो तो कोई भी सर्जन ऑपरेशन नहीं कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुरजीत खुराना। आइए जानते हैं कि एनेस्थीसिया क्या है और ओटी में सर्जरी में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो मरीज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो एनेस्थीसिया एक ऐसी ब्रांच है जो एक पेशेंट को बगैर दर्द किए और कुछ भी मालूम ना किए एक सर्जरी की सफलतापूर्वक समाप्ति है। बेसिकली ड्यूरिंग सर्जरी जब पेशेंट को एक इंसिजन लगेगा, एक सिर्फ सर्जरी के दौरान ही नहीं, सर्जरी से पहले भी एक पेशेंट की सबसे बड़ी जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या मुझे दर्द होगा, तो इस क्वेश्चन का एक सीधा आंसर है कि हम उसके लिए खड़े हैं जो उसे बिना दर्द के, बिना कुछ जाने सूझे वो एक अपनी सर्जरी पूरी सफलतापूर्वक समाप्त कर सकता है। सर्जरी के दौरान जो भी उतार चढ़ाव हमारे शरीर के होते हैं उस सब का कंट्रोल एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। और एक पेशेंट को जो बिना कोई जाने बूझे, उसे कुछ पता नहीं रहता अपने किसी उसी का, हम एक सफलतापूर्वक उसको उसी स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं सर्जरी के बाद। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके निश्चेतना विशेषज्ञ होते हैं, जो सिर्फ ऑपरेशन के दौरान ही नहीं, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें भी कम करने और आपके सारे वाइटल्स पैरामीटर्स मॉनिटर करने एवं पेशेंट को फिट करने में काफ़ी मदद करते हैं। कई बार पेशेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, उनको कई बार घबराहट होती है कि हमारे ऑपरेशन में दर्द होगा या हमें कोई परेशानी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ना सिर्फ ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद भी पेशेंट का दर्द भी कम करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सर्जरी हो रही है वो अनइवेंटफुल हो। इसमें कोई पेशेंट के पैरामीटर्स जो कि ब्लड प्रेशर, बीपी, सैचुरेशन, पल्स, ये सारे हैं, उनको भी हम कंट्रोल में रखते हैं और किसी भी अनइवेंटफुल सिचुएशन को हम अपने काबू में रख के उसको नॉर्मलाइज करके और पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की सर्जरी बिल्कुल अनइवेंटफुल रहे। और सिर्फ ऑपरेशन के दौरान ही नहीं, ऑपरेशन के बाद भी अगर पेशेंट को किसी तरह की दर्द होती है या किसी तरह की समस्या होती है तो हम पेशेंट के साथ रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपका ऑपरेशन के दौरान सबसे परम मित्र है। तो यही जागरूकता फैलानी है लोगों को और हम बताना चाहते हैं कि जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है उसके बराबर या कहीं उससे ज़्यादा हमारा भी इसमें बड़ा योगदान रहता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट शारीरिक कार्यों का ख्याल रखता है। मरीज सर्जरी के दौरान सो रहे होते हैं, वह सुनिश्चित करता है कि हृदय गति, रक्तचाप, श्वास सामान्य है और रोगी को सर्जरी से पहले, उसके दौरान और बाद में कोई दर्द महसूस नहीं हो। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सर्जन के साथ मिलकर काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सर्जरी सामान्य हो। हमारे साथ में डॉक्टर पारुल जिंदल हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इससे रिकवरी किस तरह से मरीज कर सकता है। एनेस्थीसिया के बेसिकली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, वो मरीज की अपनी बॉडी है जो प्रतिक्रिया करती है। सर्जन जो इंसिजन देता है या जो चीरा लगाता है उसकी वजह से बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं और उन्हीं की वजह से वो चेंजेस का असर मरीज में दिखता है। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो साइड इफ़ेक्ट रहित हैं। कुछ के जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम हमेशा
तत्पर रहती है, उन्हें पता होता है कि कौन सी दवाई से क्या रिएक्शन होगी तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसीलिए जब मरीज़ पहले आता है हम उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी दवाइयों से उसको प्रॉब्लम हुई है, या पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ था उसके लिए उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ था या उसमें उसको कोई परेशानी हुई थी, तो हम वो सारी जानकारी अपनी जहन में रखते हैं और उसी से हम उसका ऑपरेशन का पहले, बाद में और दौरान उसका इलाज करते हैं। तो जैसे कई बार होता है कि कुछ मरीजों को दवाइयों से उल्टी, घबराहट वगैरह होती है, तो हम उसके लिए पहले ही प्रिकॉशन लेके चलते हैं। हो सकता है कई बार पीठ पे सुई लगाएं और उसके बाद मरीज़ कहे कि मुझे सर में दर्द है, तो हम उसको पहले ही बता के चलते हैं कि हम बहुत पतली नीडल से लगाते हैं, उससे आपको सर में दर्द नहीं होता है। जो आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है वो आपको रखनी पड़ेंगी। और कई बार कुछ मरीज़ कहते हैं कि उनको घबराहट होती है या उनको नींद ज़्यादा आ रही है, तो वो दवाइयाँ नींद के लिए ही हैं कि आप जितना सोएंगे उतना ही जल्दी आप रिकवर करेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बेसिकली आज की तारीख में एनेस्थीसिया प्रक्रिया जो है वो बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है और मरीजों को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई मिथ्याएं हैं जो फैली हुई हैं कि पीठ पे सुई लगाने के बाद हमेशा के लिए बदन में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, वो नहीं होता है। अब इतनी पतली सुई है, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, इतनी हमारी ट्रेनिंग हुई हुई, इतने हमारे प्रोटोकॉल सेट है कि हमारे वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। अब मैं एक एनेस्थीशियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनेस्थीशियोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ ओटी में ना होके और भी बहुत जगह है, जैसे कि एंडोस्कोपी, सीटी, एमआरआई, जहाँ पर पेशेंट लेट नहीं पाता, छोटे बच्चे होते हैं या एल्डरली लोग होते हैं जो वहाँ पे इजीली करा नहीं पाते, तो इसलिए एनेस्थीशियोलॉजिस्ट का रोल है कि वहाँ पर वो उनका दर्द का निवारण करें और आराम से वो सीटी एमआरआई करा पाएँ। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपीज़ में हम लोग का रोल होता है और आईसीयूज़ में रोल होता है, और एक ब्रेकी थेरेपी होती है जहाँ पे पेशेंट को काफ़ी पेन होता है जब उनको ब्रेकी थेरेपी दी जाती है, तो वहाँ पे भी एनेस्थीशियोलॉजिस्ट का रोल है। तो इस तरह से एनेस्थीशियोलॉजिस्ट और काफ़ी जगह ओटी के अलावा बहुत सारी जगह उनका रोल होता है। रैली में शहर के प्रमुख एनेस्थीशियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय त्यागी, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर एस पी गौतम, डॉक्टर गुरजीत, डॉक्टर रोबीना मक्कर, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, डॉक्टर निधि, डॉक्टर अपराजिता सहित कई सर्जन भी वॉकथॉन का हिस्सा बने। हमारे साथ में डॉक्टर एसपी गौतम हैं। अभी तक हमने जाना कि एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम का आयोजन, वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ पर ये कर रहे हैं। हम बेसिकली एनेस्थीसिया और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को लेकर के जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। बेसिकली हमारे समाज में लोगों को हमें और हमारे काम को लेकर के अभी उतनी जागरूकता नहीं है, जबकि हमारा समाज, जैसे कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट समाज है, डॉक्टर्स हैं, वो उनका रोल बहुत ही वृहद है। अस्पताल के बाहर भी बहुत रोल है, जितनी भी आपदाएँ आती हैं उनमें भी हम लोग उतना ही सक्रियता से अपना किरदार निभाते हैं। जैसे कि अभी पूर्व में कोरोना काल में हम सब लोगों ने बहुत ही सक्रियता से अपनी भूमिका अदा की, और हम चाहते हैं कि सभी लोग ये जानें कि सुरक्षित एनेस्थीसिया क्या है, और एक मान्यता प्राप्त अस्पताल में और एक ट्रेनिंग पाए हुए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से ही अपने ऑपरेशन और बाकी सारी सुविधाओं का लाभ लें। हम लोग बेहोशी के बारे में कॉमन मासेस में, जनता में जागरूकता कम है। वो लोग सर्जन को जानते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं, क्योंकि हम लोगों की मुलाकात उनसे थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन अब हम लोग ओटी थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर की तरफ निकल के और जगहों पे भी अपना रोल निभा रहे हैं, तो लोग जाने कि बेहोशी के बिना ऑपरेशन हो नहीं सकता। हम लोग चाहे उन्हें ना दिखे, हम पर्दे के पीछे नहीं, हम अब पर्दे के आगे आ गए हैं, और हमारा रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सर्जन का। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं हम नेशनल हेडक्वार्टर के अंतर्गत, कि एनेस्थेटिस्ट कौन होता है, निश्चेतक होता कौन है, निश्चेतना होती क्या है, ये हम तभी जान सकते हैं। हम सिर्फ दर्द का निवारण नहीं करते, हम बाकी और काम भी करते हैं, ऑपरेशन अच्छे से निभा पाते हैं और हम लोगों को इवन जागरूक कर पाते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपको ऑपरेशन के दौरान कुछ पता नहीं लगेगा।
तो मेरा यही मानना है कि लोग हमें जानें, और इसी के अंतर्गत हम लोग ये वॉकाथॉन कर रहे हैं देहरादून सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कि कॉमन जनता में हम लोगों का प्रभाव पता लगे। आई एम हेयर टू मेक यू अवेयर अबाउट आवर प्रोफेशन दैट इज़ एनेस्थीसिया। मैनी ऑफ द टाइम्स वी वर्क बिहाइंड द सीन एंड पीपल डजंट नो अबाउट अस बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग पेशेंट इज एनेस्थेटाइज्ड and he doesn't know who is actually behind my anesthesia. So I just want to make you aware that we anesthesiologists are there for you when you are not aware. So we care when you are not aware or when you are unaware. So, but nowadays, we are not limited to the OTs only. We are coming out of the OTs. We are working in emergencies, ICUs, and in non-operating room anesthesias and many other areas. So the work of anesthetist is not limited to anesthesia OT rooms only. We have expanded, we have came out of our work zone and we have been working for almost in all departments in the hospital and we are termed as backbone of hospital nowadays. Dr. Atul Agrawal, jo ek orthopedic surgeon hai, ne kaha ki surgery ke liye anesthesiologist kaise mahatvapurna hai, unki bhumika सराहनीय है। इस दिवस पे जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट इकट्ठे हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए फॉर द कॉज ऑफ एनेस्थीसिया एंड अवेयरनेस ऑफ एनेस्थीसिया, मैं एक ही कहना चाहूँगा कि एनेस्थेटिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ऑपरेशंस में। हम जब पेशेंट्स का इलाज कर रहे होते हैं तो कुछ मरीज होते हैं जो बहुत उम्र वाले होते हैं, कुछ होते हैं जिनको बहुत सारी और बीमारियाँ होती हैं, उनके हमें बड़े बड़े ऑपरेशंस करने होते हैं, जोड़ पलटने होते हैं, डेंजरस होते हैं उनके ऑपरेशन करना, कई बार लाइफ को रिस्क होता है। एनेस्थेटिस्ट ऐसे सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो मरीज को ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद, सभी तीनों फेज में मरीज का ध्यान रखते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज का पेन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि हमारे मरीज में यदि पेन मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो मरीज का ऑपरेशन के बाद में जो स्वस्थ होने की जो स्थिति है या जो उसके रिकवरी का जो पेस है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो पेन मैनेजमेंट एनेस्थीसिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एनेस्थेटिस्ट अगर अच्छा पेन मैनेजमेंट देते हैं हमें तो हमारे मरीज बड़ी जल्दी ठीक होते हैं और हमें सबके लिए ये अच्छी बात होती है। मैं आज इस उपलक्ष्य में एनेस्थेटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी इस लगन निरंतर प्रयास से ही हमारे सारे मरीज ठीक होते हैं। हमने ये की है वॉकाथॉन, ये हमने आम जनता के लिए की है। आम जनता जब हमारे पास आती है, हॉस्पिटल में आती है ऑपरेशन कराने के लिए, उसको सर्जन के बारे में बताते हैं कि इस सर्जन मेरे इतना अच्छा ऑपरेशन किया, उसको ये बिल्कुल इस बात का पता नहीं होता कि इसके पीछे मेन जिस बंदे का काम था, जिस डॉक्टर ने, जिसने उसकी हेल्प की कि उसकी सर्जरी में कोई दिक्कत ना आए और सर्जरी उसकी पेन फ्री रहे, और बाद में जैसे उसको उल्टी आना और किसी तरह की दिक्कत होना, उसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम है। वी आर बिहाइंड द कर्टन्स, हमें लोग जानते नहीं हैं। ऑपरेशन ठीक होने के बाद मरीज आएगा, सर्जन से मिलेगा, सर्जन से मिलने के बाद कहेगा कि आपका भगवान आपका भला करे, आपको मेरे ठीक कर दिया, मेरी टांग ठीक कर दी, मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, मेरे गॉल ब्लैडर ठीक हो गया, अब मैं चल फिर सकता हूँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि जब मेरे को किसने बेहोश किया था, जिसने जिसकी वजह से आप ऑपरेशन करे, उस इंसान से भी हमें मिला दो। वो हमें इस बारी की कभी कोई जान ही नहीं पाता, वो तभी हमें जान पाता है कि अगर आईसीयू में कोई किसी को अरेस्ट हो जाता है, अगर हम उसको बचा पाते हैं तब हमें जानते हैं कि हाँ, तब जानते। अदरवाइज जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं बिहाइंड द कर्टन्स, ऑल दो इसमें हमने लिखा है, आप देखा है, यत्र तत्र सर्वत्र निश्चेतना विशेषज्ञ, हम सब जगह हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, कार्डिक सर्जरी हो, पीडियाट्रिक सर्जरी हो, बच्चों का ऑपरेशन, बूढ़े बड़े सब जिनका, लेकिन हमें कोई नहीं जानेगा। इस अवसर पर हम वाकाथन के थ्रू देहरादून सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आम जनता में ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ना केवल बेहोशी ऑपरेशन के दौरान बेहोशी देते हैं, बल्कि ऑपरेशन के दौरान जो मरीज की सर्जरी होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं मरीज के शरीर में, उनका भी ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा हम जो एक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है, उस तरह के पेशेंट जैसे पीठ दर्द है, लंबा पीठ दर्द है, पैरों में, घुटनों में दर्द है, और भी नसों के जो दर्द होते हैं, उनके लिए भी हम समाधान करते हैं और लंबे समाधान करते हैं। इसके अलावा हम आईसीयू में भी देखते हैं, जैसे कि सब जानते भी हैं, इस बार कोविड में आईसीयू में
काफ़ी ज़्यादा लोगों के उपचार जो है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही किया, एनेस्थीसियोलॉजिस्टों ने ही किया, और आईसीयू के दौरान ज़्यादातर आईसीयू में जो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही मरीजों का गहन उपचार करते हैं और उनको सही करते हैं। तो ये मरीजों को ज़्यादातर पता नहीं होता है कि वो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, और क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन जितना काम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वहाँ पे वेंटिलेटर से रिलेटेड है और भी गहन बीमारियों का जो है उससे सही करके मरीजों को घर भेजते हैं। तो इस बारे में हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आम जनता को ये चीज़ें पता चलें। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के विषय पर बातचीत की और जनता में किस तरह से एनेस्थीसिया को लेकर जागरूकता पैदा हो सके, इन तमाम तरहों की बातों पर आज हमने बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।